पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि टिया भले ही उनका साथ दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हेल्प भी कर रही है। पैराडाइज बंगलो में उसने मुझे देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि सौम्य मुझे देखती, टिया ने उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। और कल्याणी मिल की फुटेज वाली टेप, वो भी जरूर उसी ने हमें भेजी होगी। लेकिन शिवाय वो अपने बहनों के खिलाफ जाकर हमारी मदद क्यों करेगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वीर और सौम्य के बीच जो प्लान बन रहा है उसके बारे में टिया अच्छी तरह से जानती है। फैक्ट, टिया सौम्य से ये भी कह रही थी कि जो वो करने वाली है उसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसका ये मतलब है कि सौम्य और वीर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्या ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में सिर्फ टिया हमें बता सकती है। मुझे नहीं लगता रेडी बाबा हमें कुछ बताएगी। पूछने में क्या हर्ज है? शिवाय का फोन? शिवाय तुम्हें क्यों फोन कर रहा था? I don't know दी, मेरी तो उससे इतने दिनों से बात भी नहीं हुई। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? क्योंकि तुम बेवकूफ हो, इमोशनल फूल हो, अक्सर इमोशंस में बहकर गलतियां कर बैठती हो। पिछली बार भी यही हुआ था, तुम्हारे रॉबिन के कारण हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया था। मेक श्योर इस बार वो गलती ना हो। सौम्य और रुद्र की शादी होना हमारे प्लान के लिए बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड? कमाल है, फोन नहीं उठा रही थी, अभी नॉट रीचेबल आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहनें वीर के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही हैं। हमें पता लगाना है कि ये प्लान क्या है। फोन टूट गया, क्या करूं? शिवाय से बात कैसे करूं? मेरा शिवाय से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं जानता कि ओब रॉयस की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी रूप बुआ है। वो ही है इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड। क्या करूं? शिवाय को कैसे बताओ कि ये लोग रुद्र की शादी सौम्या से कराना चाहते हैं? दुल्हन बदलनी पड़ेगी, तब जाके रुद्र की शादी भव्य के बजाय सौम्या से हो पाएगी और हमारा मिशन पूरा हो पाएगा। ऐसा जरूर होगा माँ, पर ये काम इतना आसान नहीं है। तो शायद जानता नहीं है शिवाय क्या चीज है। शिवाय भी नहीं जानता कि आपका बेटा वीर क्या चीज है। उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, और अनिका, वो हमारा काम आसान कर देगी। और शिवाय, उसका इंतजाम करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा कर जिसे वो शादी वाले दिन दूर ही रहे, फिर चाहे उसकी टांग के ना तोड़नी पड़े। टांग तोड़ना मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि शिवाय हफ्ते भर तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। शिवाय मुझसे गलती हो गई। गलती है? नहीं, मेरा मतलब है बहुत बड़ी गलती है। राइट। मुझे ऐसे डांस ही नहीं करना चाहिए था, मूड नहीं बन के।
मेरा मतलब है मुझे ऐसे वाला डांस ही नहीं करना चाहिए। करेक्ट। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप मुझसे नाराज होते हैं। मैं पंडित जी से माफी मांग लूंगी। बहुत देर हो गई, कोई फायदा नहीं माफी मांगने का। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना गौरी, तो मुझे कभी यकीन नहीं होता कि तुम। ओमकारा जी, हम ऐसी चिड़ैया नहीं है। तुम कैसी चिड़ैया हो ये मैंने अच्छी तरह देखा है। आप समझ नहीं रहे बात को, क्या हो गया था दरअसल। सब समझ रहा हूँ मैं गौरी, सब समझ रहा हूँ मैं। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। रुद्र, एक्चुअली क्या हुआ हम बताते हैं। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। कौन सोचेगा कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो? इतने सेडक्टिव डांस मूव्स में, अरे मुझे एक मिनट के लगा मैं घर में नहीं एले के किसी क्लब में बैठा हूँ। हम भव्या, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। Sorry. सजा मिलेगी, मैं कह रहा हूं मिलेगी, मतलब मिलेगी। तो मैं फिर क्या करूं? तुम मेरे साथ डांस करोगे और हमें देखने वाला कोई और नहीं होगा। मैं गौरी सब समझ रहा हूं और अच्छी तरह समझ रहा हूं कि तुम कितनी हॉट हो। हाँ? मुझे एक बात बताओ, ये हॉट वाला डांस सिर्फ कोरियोग्राफर्स को दिखाने के लिए के कि अपने पति के साथ भी करोगी? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें वही मूव्स मेरे साथ करनी पड़ेंगी। ये रिश्ता नहीं, सदियों का ये